तो फिट इंडिया की शुरुआत करते हुए बड़ी खबर के साथ, जहां पर दिल्ली से खबर सामने आ रही है। अलीपुर में एक प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की वजह से काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है और 30 से ज्यादा फायर फाइटर्स की टीम वहां पर मौजूद है आग पर काबू पाने के लिए। 200 दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग के चलते लाखों का नुकसान भी वहां पर हुआ है। भीषण आग के चलते 3 इमारतें ढह गई हैं। फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां अभी भी आग बुझाने में जुटी हुई है। 200 दमकल कर्मियों ने आग पर किसी तरीके से आग पर काबू पा लिया है। आग के चलते लाखों का नुकसान हो गया है। अलीपुर के प्लास्टिक गोदाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं कि आखिरकार क्या कुछ वो कारण रहे जिसकी वजह से प्लास्टिक के इस गोदाम में अचानक से आग लग गई, लेकिन फिलहाल गनीमत की बात ये रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है और 200 दमकल कर्मियों ने 30 गाड़ियों के साथ जो कि वहां मौजूद रहे उनके द्वारा इस आग पर काबू पाया गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कितनी विकराल यहाँ पर भीषण आग लगी है। 3 इमारतें ढह गई हैं इस आग लगने की वजह से। फायर फाइटर्स की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई थी जिनमें से 200 दमकल कर्मी मौजूद थे आग पर काबू पाने के लिए। आग के चलते लाखों का नुकसान हुआ है। इन तस्वीरों को देख करके ही आप बखूबी अंदाजा लगा पाएंगे कि आग कितनी तेजी से इस पूरे एरिया में फैलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के अलीपुर की ये खबर बता रहे हैं जहां पर भीषण अग्निकांड की तस्वीर है।